पाकिस्तान शादी में आए हुए फूफा की तरह है जिसको नाराज होना ही होना है। जी हाँ, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच के बाद पीसीबी यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को एक ऑफिशियल कंप्लेन करी। क्या है पूरा मामला आपको बताते हैं। पिछले दिनों अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने थी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि स्टेडियम में मौजूद फैंस ने जिस तरीके का व्यवहार किया है वो उनको पसंद नहीं आया है, उनको अच्छा नहीं लगा। और जो भारत सरकार ने वीजा में डिले किया था वो भी पसंद नहीं आया है। पाकिस्तान के खिलाड़ियों संग खेल भावना के विपरीत व्यवहार किया गया। बहरहाल अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मामले को आईसीसी के पास ले गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अहमदाबाद स्टेडियम में फैंस के बिहेवियर के खिलाफ आईसीसी में अपनी शिकायत दर्ज करवाई है। आईपीसीबी ने ट्वीट करके लिखा है कि क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तानी पत्रकारों के साथ वीजा में देरी और मौजूदा विश्व कप 2023 के लिए पाकिस्तान प्रशंसकों के लिए वीजा नीति की अनुपस्थिति पर आईसीसी के साथ एक और औपचारिक विरोध दर्ज कराया है। पीसीबी ने 14 अक्टूबर 2023 को आयोजित भारत बनाम पाकिस्तान मैच के दौरान पाकिस्तानी टीम पर लक्षित अनुचित आचरण के संबंध में शिकायत दर्ज कराई है। दरअसल भारत पाकिस्तान मुकाबले के बाद सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हुए। एक वीडियो में फैंस मोहम्मद रिजवान और पाकिस्तानी खिलाड़ी को देखकर धार्मिक नारे लगा रहे हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो खूब वायरल हुआ था। वहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हमारे खिलाड़ियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया है। भारत पाकिस्तान मुकाबले की बात करी जाए तो पाकिस्तान को आसानी से भारत ने हरा दिया था। भारतीय टीम के सामने जीत के लिए 192 रन का लक्ष्य था। रोहित शर्मा की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने महज 30.3 ओवरों में 3 विकेट पर लक्ष्य हासिल कर लिया था। इस तरह भारतीय टीम ने वनडे वर्ल्ड कप में लगातार 8वीं बार पाकिस्तान को हराया है। पाकिस्तान टीम वनडे वर्ल्ड कप में भारतीय टीम को कभी नहीं हरा पाई है। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसे ही तमाम कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें स्पोर्ट्स लाइव।